टूल पाथ में काउंटर, काउंटर ये ऑटोमेटिक चेंज सिलेक्ट करके रहता है, ये हम कल सिलेक्ट करने का रहना। सिलेक्ट करने के टाइम में कैसे हमारा आर जो है ना, आर अभी ये टॉप है, अंदर सिलेक्शन है ना इनसाइड, तो हमारा आर जो है ऐसा रहना, राइट को रहना, कभी सबको राइट में रहना। एक रॉन्ग सिलेक्शन करे तो वो कट हो जाएगा, पॉकेट में कुछ ना होता, काउंटर में देख के सिलेक्ट करना पड़ता। अभी सिलेक्शन ये किया ना, अभी ऐसे आर इधर जा रहा है ना, ऑल्टेस ऑल्टेस कर दे। हाँ अभी आर इधर है ना लेफ्ट, ऐसा देता वो सॉलिड को ऐसा सिलेक्ट होता नहीं होता ना। हाँ वो तो हमें स्केच है ना, स्केच नहीं है तो नहीं होगा। नहीं ये अभी सॉलिड है, सॉलिड में वो ओडी है ना, उसको सिलेक्ट करें तो आता है। आएगा सॉलिड क्या है, मैं ऑलरेडी स्केच बना के सॉलिड किया, पहले से नहीं है ना सॉलिड, हम इधर ही बना दिया तो स्केच है उसको, तो सिलेक्शन होगा। अभी आरो मार्क ये साइड है ना, ये भी ऐसा कौन सा लेफ्ट में कटिंग करता हो, कटर लेफ्ट में रहेगा। नेक्स्ट ये भी सिलेक्शन करेगा ना, आरो मार्क कैसे अभी लेफ्ट में रहना, लेफ्ट है तो कैसा, ये भी सेम है बराबर है, लेफ्ट में कट रहा है आ गया हमारा, ये सिलेक्ट किया, ये कैसे ये राइट में है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है हमारा, कटर राइट में रहे तो बाहर कट होता। नहीं नहीं ये भी ऐसा गया, ये बराबर है, ठीक है ये रॉन्ग है, ये ठीक है ये रॉन्ग है, ये हमारा कौन से कटर लेफ्ट में रहना ना, हमारा कटर लेफ्ट रहना सही है, ये सही नहीं है, ये कटर हमारा मार कैसा था, मतलब कटर ऐसा चलेगा, ये आरो मार कैसा है या ऐसा है, करेक्ट है ये कैसे जाएगा, ऐसा नहीं उसको ऐसा नहीं देखना, ये लेफ्ट में रहेगा ऐसा, ये कटर इधर रहेगा, इसको सिलेक्ट किया ना कटर इधर रहेगा वो। अभी इसको सिलेक्ट करने का टाइम है कैसे, कटर वो आर हमारा किधर गया, ऊपर गया ना, ऊपर गया तो लेफ्ट में ऐसा ऐसा चलता, लेफ्ट में रहता कटर, ये क्या है ऐसा नीचे आया, कटर हमारा कैसा है राइट में जाएगा, कट राइट जाएगा तो हमारा क्या होगा, वो कट अंदर का काट देगा, इसको फिर रिवर्स करना, ऐसा रहना, ऐसा है तो क्या लेफ्ट में चलता ना हमारा, ऐसा ये लेफ्ट में रहेगा कटर, कटर लेफ्ट में रहे तो ये मेटल छोड़ता। फिर नेक्स्ट ये भी देखना, ये क्या कैसे जा रहे, नीचे आया, ये कटर राइट में रहे तो बराबर आता, लेफ्ट में रहे तो मेटल अभी मेटल छोड़ता, अभी जो है लेफ्ट में रहे तो मेटल कट कर देगा, राइट में रहे तो मेटल छोड़ेगा, हम इसको लेफ्ट करना, क्योंकि हम एक ही जगह लेफ्ट राइट चेंज कर सकते हैं, अलग अलग नहीं होता। ये सेम ऐसा कौन सा है हमारा लेफ्ट में ऐसा चलता, इसको भी सेम है, अभी राइट में आ गया, ये भी सही नहीं है ये। हाँ अभी ये बराबर है, नीचे आया ना, नीचे आया बराबर, हाँ ओके ये भी बराबर है, यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट ये वाला, पहला वाला नहीं सही है ना, ये सिलेक्ट किया ना, ये भी कौन सा अभी राइट में आया, इसको ऑन सिलेक्ट करके सिलेक्ट निकलना बोलते, इधर ऑन सिलेक्ट और एक बार करना है इसको ऐसा, इधर से अभी लेफ्ट में चलेगा ऐसा, वो देखने के देख के करना पड़ता, नहीं तो रॉन्ग होता। नहीं नहीं अभी पूरा आरो चेक करने के लिए नहीं रहता कुछ अच्छा, हाँ पूरा ऐसा जैसे फर्स्ट दिख रहा है, अभी ये चारों पांचों दिख रहा है ऐसा नहीं रहता, एक एक कुछ कर एक एक करने का था, अभी ओके कर दिया ना यहाँ से, ओके कर दिया, ओके करने के बाद तो कटर का पोजीशन बताता। हाँ पोजीशन अभी कौन सा टाइप है, हम करने के बाद जाके चेक करेंगे, अभी काउंट है हमारा। नेक्स्ट टूल हमारा का जरूरत है तो यहाँ से कौन सा टूल है हमारा, 20 है, 20 भी ले सकते हैं, नहीं तो दूसरा एक टूल क्रिएट न्यू टूल 16 ले लेंगे, 16 यहाँ से 16 ले लिया, ओके। ये 2D में तो अभी ये 2D है ना, ये 2D है, 3D नहीं, 2D है, फीड 1000 है, स्पिंडल फीड 2000, और ये कमेंट लिखना है इधर, टूल का नाम है तो कमेंट लिखना पड़ता, होल्डर
आपको मर्जी लिए तो चलता, नहीं तो नहीं। कट पैरामीटर में यहाँ पे कंप्यूटर लगा है तो डी वाले कुछ नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। और ये 2D है, ओके। पहले ये कंप्यूटर लगा के देखेंगे, ये 2D लगा के देखेंगे, बाद में ये चेंज करेंगे, अलग अलग करेंगे। नेक्स्ट ये बाकी सब कुछ रहेगा, फिर स्टॉक रखना है तो यहाँ से रख सकते, फिनिशिंग है तो हमारे जरूरत नहीं। अगर जरूरत है तो यहाँ से XY ये Z, ओके। नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट, यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट दे देंगे 1 1। वही आपको जरूरत है तो लगाना है ना, कीप टूल डाउन, ओके। नेक्स्ट हमारा इधर लिंकिंग पैरामीटर यूज करना पड़ता है, मिनिमम 20%, हाँ 20% रखो बस, 20%। और इसमें सेम अभी इधर दे दिया ना, एंट्री में एग्जिट में सेम देना बोलते, इसके ऊपर क्लिक कर दो, सेम ये जो लिखा ना इधर आ जाएगा, आ गया। और नेक्स्ट ये एडजस्टमेंट स्टार्ट, एडजस्ट स्टार्ट ऑफ काउंटर, एडजस्ट एंड ऑफ काउंटर, इसको भी दे के इसको थोड़ा एक 10% ऐसे दिए तो क्या होगा, हमारे को तो स्टेप नहीं आएगा। ये हो गया, ब्रेक थ्रू जरूरत नहीं, मल्टीपास अभी जरूरत नहीं, बाद में आगे जाके देखेंगे। लिंकिंग पैरामीटर में ये ऑन करो 50 mm, एब्सोल्यूट रखो, ये भी ऑन करो, स्टार्टिंग में एंडिंग में 50 mm आएगा, बीच में जो उठेगा 25 mm उठेगा। इसको इसको पूरा अपलोड करो, ये 20 mm माइनस, ये 2D है, सॉलिड से कुछ मतलब नहीं है, हम कितना डेप्थ दिए तो उतना डेप्थ आएगा, 40 दिए तो 40 भी जाएगा। ये होने के बाद यहाँ से ओके, कैसे आया ये बराबर है ना, अंदर छोड़ रहा है ना, पूरा छोड़ दे रहा, पूरा नहीं चल रहा, पूरा चल, ये फिनिशिंग है ना, फिनिशिंग पूरा चलता है, पॉकेट में कर दिया आप रफिंग, फिनिशिंग बोलते खाली फिनिशिंग चलेगा, अब इसके बाद बेस फिनिशिंग दे देना, हाँ बेस फिनिशिंग, हाँ वही मैं परेशान हो रहा हूँ कि अभी फिनिशिंग दे रहे तो कैसा चलता, कैसा चलता, यही है फिनिशिंग, हाँ ये तो टूटिंग में आ गया ना, ये फिनिशिंग है ना, अब बोल रहे हैं ना चेक करने के लिए, ये ज्योमेट्री में जाके एक एक देखना पड़ता, आरो किधर है, कौन सा साइड आ रहा है, ये देखो ये पूरा दिख रहा है ना, आरो किधर है हमारा, इसका आरो किधर है, ये साइड है, इसका आरो इधर है, ये क्वार्टर कौन सा साइड चलेगा दिखा रहेगा वो, हमारा आरो इधर है ना, क्वार्टर इधर रहता, ये आरो इधर है, क्वार्टर इधर रहेगा, ये आरो है, क्वार्टर इधर, क्वार्टर कौन सा साइड आता वो दिख रहा है हमारा। हम यहाँ से भी चेंज कर सकते, अभी 1 है ना, अभी कुछ रॉन्ग हो गया, इसमें आके चेंज कर सकते, चेन 1 है ना, अभी 2 है, अभी हम किसको अभी ये कर रहे हैं, अभी हम इसको क्लिक कर रहे हैं ना, वो देखो येलो कलर हो रहा है, देखो इसका पर ले रहे हैं ना येलो कलर, इसको राइट क्लिक करके रिवर्स चेन बोलते, रीचेन है चेन साइड, और इसमें रहता है रिवर्स चेन, अभी कुछ रॉन्ग है तो यहाँ से भी रिवर्स चेन कर सकते। अभी देखो रिवर्स चेन हो गया ना, अभी हम उसको कैलकुलेट करेंगे, अभी देखो कैसा है, अंदर आ गया, अभी रॉन्ग कट हो जाएगा, अंदर आया ना, देखो काट देगा, ऐसा ऐसा सिलेक्शन रॉन्ग है तो काट देगा, जब स्टार्टिंग में हम सिलेक्ट किया ना वो टाइम में बराबर सिलेक्ट होना, नहीं तो आप सिलेक्ट किया कुछ नहीं देखा मार देता हो, हाँ आरो कभी भी एक साइड रखना, वो कटर डायरेक्शन देगा वो, एक बार मैं उसको जाने के बाद देख बोलता आपको कैसा, इसको चेन में जाके उसको सही करने के बाद, ये 3 नंबर किया ना, 3 नंबर 4 नंबर, 4 नंबर रिवर्स चेन कर देंगे, ये चेन सिंगल रिवर्स, ये बराबर आ गया ना, इसको सेव करेंगे, कौन सा काउंटर सेव कर दिया ना, काउंटर फिनिश बस, इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके इधर पेस्ट, पेस्ट कर दिया सेम टूल पर, पेस्ट कर दिया, और एक बार सिलेक्शन करेंगे, इसको आप करता, इसको भी आप करता, इसको आप, ये दिख रहा है, और एक बार सिलेक्शन करेंगे, री चेन ऑन, पूरा चेन चला गया, और एक बार सिलेक्शन करेंगे, टॉप रख दिया, ये सिलेक्ट किया, कुछ भी हम ना नहीं देख के ऐसा सिलेक्ट करके जाएंगे,
ऐसा हमारा आ गया, सिलेक्शन हो गया पूरा, कुछ नहीं देखा ना, सिलेक्शन कर दिया पूरा, सिलेक्शन कर दिया, ओके कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया, अभी हम रीचैनल कर दिया, अभी क्या है ये वाला हमारा, अभी देखो कैसे है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है, रॉन्ग आया। आप ऐसा सिलेक्शन कर दिया, कॉल कट कर दिया, प्रोग्राम दे दिया, बस फटास जॉब रिजेक्शन। ऐसा करने के बाद इसमें जाना ज्योमेट्री में, ज़्यादा है तो एक ही दो है तो प्रॉब्लम नहीं, हमारे को मालूम हो जाता है ये लाइन है, ये हमारा जो कटर का टूल पथ का लाइन है, ये बराबर है हमारा। अभी इसमें ज्योमेट्री में जाना, ज्योमेट्री में जाने के बाद यह हमारे को मालूम होगा क्वार्टर कौन से डायरेक्शन में है, ये है ना, ये कटर का डायरेक्शन है, क्वार्टर का कौन सा, क्वार्टर कौन सा डायरेक्शन है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, अंदर जा रहे हैं हमारे को, क्वार्टर डायरेक्शन अंदर है, इसको चेंज करना, इसको चेंज करना बोलते, इसमें क्या करना, इसमें हम देखना कौन सा है, 7 है, 8 है, ये 9 है, 9 में जाके राइट क्लिक, रिवर्स, रिवर्स चेंज कर दिया, ओके, ये बराबर हो गया। नेक्स्ट फिर ज्योमेट्री में जाके कौन सा है, 10, 10 भी रिवर्स करना, रिवर्स चेंज, फिर 11, 11 भी राइट क्लिक, रिवर्स चेंज, ओके, 12 भी सेम, राइट क्लिक, रिवर्स चेंज, बराबर हो गया पूरा। वो चैन साइड किसके लिए है, साइड ओके, उसके भी देखेंगे, ओके, अभी बराबर हो गया ना, ये देखो कहाँ से डाउन हो रहा है, ये यहाँ से डाउन हो रहा है, यहाँ से नहीं, एक्चुअली हमारे को यहाँ से यहाँ दिया तो सेंटर में डाउन होता, ओके, उसको चेंज कर सकते हैं ना, चेंज करके कौन सा, 12 है तो इसको करके कैसे करना है, रीचेन ऑल दे तो पूरा ये जाएगा, पूरा ऑल रीचेन करना पड़ता है, रीचेन सिंगल, नहीं नहीं रीचेन सिंगल करते बस, रीचेन सिंगल करके और एक बार ऐसा रीचेन करे तो नहीं, एक मिनट, रीचेन सिंगल करते हैं, वहाँ भी आ गया, और एक बार करिए, ओपन करिए, मैं ऐसे कर दिया, वो स्टार्ट पॉइंट भी ले सकते, प्रॉब्लम कुछ नहीं, स्टार्ट वो आरो लाके वहाँ पे रख दिया, हाँ स्टार्ट पॉइंट भी ले सकते, स्टार्ट पॉइंट चेंज करना, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट कैसा, इधर से चेंज कर सकते ऐसा, अभी किधर है ऐसा ले सकते, ऐसा स्टार्ट पॉइंट हमारा ऐसा नहीं, अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हाँ अभी इधर लीड इन लीड आउट में सेंटर पॉइंट रखा तो इसलिए वो क्या हो रहा है, वो सेंटर को जा रहे हैं, अभी ये सेंटर में जा रहा है ना, हम किधर है, लीड इन लीड आउट में सेंटर पॉइंट रखा, उसको मिड पॉइंट सिलेक्ट किया, इसलिए मिड पॉइंट से चल रहे हैं, वो लीड इन लीड आउट है ना, इसमें देखो ये हमारा मिड पॉइंट किधर है, ये एंट्री एग्जिट आउट मिड पॉइंट इन क्लोज काउंटर, इसको हम निकाल दिए तो अभी सेंटर में डाउन नहीं होगा, देखो किसको किधर सिलेक्शन है उधर डाउन होता, किसको हम किधर सिलेक्शन कर दिया उधर डाउन होता, ऐसा जहाँ जहाँ सिलेक्शन है हाँ उधर डाउन होता, वो अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, मिड पॉइंट सिलेक्ट करे तो उधर मिड पॉइंट को जाएगा, इधर मिड पॉइंट हाँ एंटर एग्जिट एंड मिड पॉइंट है ना वो सिलेक्ट करना, अच्छा ये कंपलसरी सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करे तो उधर से डाउन होता है सर, कंटिन्यू रहता है हाँ वो रहता है, कभी कभी आप बंद कर देते नहीं रहेगा, भी नहीं रहता, और ये जो अपन करें ना सिंगल से भी या उससे भी, एक बार बताओ आपका ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा था, कौन सा, चैन सिलेक्शन, कुछ भी है तो ज्योमेट्री में जाके चेंज करना पड़ता है, ये चेन साइड बोल रहे हैं, चेन साइड कौन सा चेन साइड है, देखो दूसरा साइड चला गया वो चेन, पूरा चेन चेंज हो गया, अच्छा चेन साइड हो गया, बस चेन साइड दबाते ही, चेन साइड है तो हम उधर से भी चेंज कर सकते हैं, अभी लेफ्ट जा रहा है ना हम राइट कर सकते हैं, उसको पूरा चला जाता है, अभी कैसा फिर इसको राइट करने, चेन साइड है फिर करें तो फिर आ जाता, मतलब वही उसको ही उल्टा सीधा, खाली एक ही ऑप्शन चेंज हो गया, बस वही
रिसेंट शॉर्ट ऑप्शन है, शॉर्ट ऑप्शन बोल दो कैसा ऐसा जा रहा है ना, एक एक ऐसे जा रहा है, तो इधर चेंज कर सकते हम क्या है शॉर्ट ऑप्शन, हम पहले कौन सा करेगा सेकंड कौन सा करेगा ऐसा, इसमें चेंज करे तो अभी ये चेंज करे तो पहले ऐसा 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 जाके ऐसा आता, ये चेंज कर तो पहले इधर आता इधर आता इधर आता इधर आता ऐसा, वो चेंज करके कर सकते हैं। रोटरी शॉट बोल तो ऐसा, हाँ रोटरी शॉट बोल तो ऐसा 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 जाएगा, क्रॉस है तो कैसा है तो ऐसा जाएगा। कौन यूज करते हैं? वो नहीं करते, अभी कभी जरूरत है तो भी करना पड़ता, अभी ज़्यादा ड्रिल सपोज ड्रिल में यूज करते ज़्यादा होल से, मेरे को एक ही सीरियल में कट करना वो टाइम में करना पड़ता, अभी एक इधर कर दिया फिर बाद में इधर आता वो टाइम में क्या होता आपको कन्फ्यूज होता ना, ज़्यादा है तो कौन सा छोड़ दिया कौन सा कर दिया मालूम नहीं होता वो टाइम क्या, तो ये एक ही सीरियल में जाना, ये है तो एक एक सीरियल में एक ऐसा 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 जाता। कौन सा था वो? ये शॉर्ट ऑप्शन है, शॉर्ट ऑप्शन हाँ, री चेन ऑल बोल तो पूरा चेन को और एक बार जाएगा, आठ चेन दिखाता, आठ चेन बोल तो कुछ भूल गया इसमें आठ चेन चेन ऐड कर सकते हैं अभी, ये बाहर में कुछ नहीं कर रहा ना, आठ चेन में बाहर में करेगा इसको ये वाला, उसमें ऐड हो जाएगा, अभी अंदर करके फिर बाहर भी करेगा, सेम अंदर करके फिर बाहर कर दो, आठ चेन कर दिया, आरो मार्क चेन जो है तो प्रॉब्लम अंदर जाता, आरो मार्क चेन है तो चेन लगे चेन सिंगल मारे थे ना, हाँ एक ही बार फिर उसको करते हैं कि वहाँ डिलीट, रिवर्स चेन नहीं नहीं चेन सिंगल मारते हैं कि वहाँ डिलीट हो जाएगा फिर सिलेक्ट होगा, फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा हाँ, डिलीट चेन है तो कौन सा भी चेन को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करके ऐड चेन स्टार्ट पॉइंट कौन सा किधर से स्टार्ट होता है, एडिट टैब्स कैसे जाना बोल दो उसको, कुछ मंडे है ना 8:30 हो गया क्या, 8:45 हो गया एकदम ऐसा, और बाकी दर्ज है ना, स्टार्ट पॉइंट है वो चेंज क्या चेंज आउट पॉइंट कौन सा पॉइंट में चेंज करना बोलते वो भी चेंज कर सकते हैं, डुअल फीड कॉट कंपोजिशन कौन सा भी चेंज कर सकते हैं, वो कुछ नहीं डेप्थ कुछ चेंज करना बोलता इधर चेंज कर सकते, इधर जरूरत नहीं हम जाके उधर करना करें पैरामीटर में चेंज करना, एक एक को डेप्थ चेंज करना क्या, हाँ उधर एक एक को भी कर सकते, एक को कितना डेप्थ करना है, एक को कितना डेप्थ करना है, एनालाइज चेन बोलता ये कितना है ये टोटल कितना है ये एंगल एंगल टू 170 क्विक थ्रो हमारा मिनिमम वो हम यूज नहीं करते उसको उतना टाइम वेस्ट होता है, ठीक प्रोग्राम करके देना है या ऑप्शन देके बैठना, तब तक से बोलता कल से नकवा क्या बन रहा है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही कर रहा था ये काउंटर में टूड़ी है, टूड़ी में बहुत ऑप्शन है, दो तीन ये टूड़ी है रैंप है वो सब अलग अलग जगह में अलग अलग काम करता है, ये टूड़ी बोलता हर जगह में काम करेगा, ये रैपिंग होने के बाद ये फिनिशिंग, मैं क्या पूछ रहा था अगर वो स्लॉट एक है ना पिन अगर वो डाउन में है उससे कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होता फिनिशिंग करने के टाइम, हमारा क्या है टूड़ी है ना हम टूड़ी है तो ये चेन हमारे को जरूरत है, ये सिलेक्शन कुछ जरूरत नहीं है, हमारा स्केच है मैं खाली आपको दिखाने के लिए ये ऐसा सॉलिड किया खाली दिखाने के लिए, सॉलिड नहीं करते भी टूट जाता, ऊपर फेस करना हो तो फेस भी जाता, इसको सिलेक्ट करना ये 5 एमएम डाउन है हाँ उससे कुछ नहीं होता, वो भी फेस ले लेता नहीं वो उधर नहीं जाएगा, आपको मैनुअली देता ना फेस कितना डेप्थ जाएगा मैनुअली आप देते,
वो ऑटोमेटिक नहीं लेता ना, 3D में है तो वो ले लेता है। ये 2D है, ये 2D में आप इधर डेप्थ देते, वो डेप्थ तक जाएगा, वो उससे इधर उधर नहीं जाएगा। 3D का अलग है यार वहाँ से। हाँ, ये डेप्थ दे रहा है ना, वही डेप्थ। अभी ये 20 तक ये हमारा ये फेस है, इधर 50 दिए तो 50 डेप्थ जाएगा, वो 10 दिए तो 10 जाएगा, उससे कुछ नहीं है। ये दोनों को रफिंग रफिंग फिनिशिंग एक ही बार में देखना बोलते हैं, दोनों सिलेक्ट करना पड़ता है। इसको सिलेक्ट करके काउंटर दबा के और एक सिलेक्ट करके अभी वेरीफाई करते हैं ना, रफिंग भी हो जाता है फिनिशिंग भी हो जाता है सर। ले ये अभी रफिंग रनिंग है, ये टूल चेंज वाला काम है। हाँ, कंबाइन अभी फिनिशिंग आया, फिनिशिंग होने के बाद बेस फिनिशिंग देना। हाँ, बेस फिनिशिंग देना बोले तो वही वही प्रोग्राम चला, वही देना। इजलाइट फेसिंग है ना, इजलाइट वो चलाए तो बस से, नहीं तो पॉकेट में डायरेक्ट डेप्थ देना प्रोग्राम में, सेम पॉकेट प्रोग्राम डायरेक्ट डेप्थ दिया तो बस, डायरेक्ट डेप्थ दिए ना बस। अभी अभी हो गया ना, अभी ये पॉकेट वाला प्रोग्राम है ना, ये पकड़ वाला प्रोग्राम को ऐसे पकड़ वाला को डायरेक्ट सीधा कॉपी करके नीचे रख दो, नीचे रख देना पेस्ट, इसमें डायरेक्ट डेप्थ दे देना, डेप्थ वाला प्रोग्राम बंद कर देना, वो डेप्थ डेप्थ को कट है ना, नहीं देना। हां नहीं देना, नहीं तो अगर दिए तो वो स्टार्ट डेप्थ, अभी डेप्थ को कट देता ना, सपोज हमारा दो बार कट करना लीडिंग लीडर कट पर, इधर इधर हमारा डेप्थ को कट, ये आप कर दिए तो बस है ना, पॉइंट टू दिया। नहीं अगर ऑन करे तो भी चलता, दिया ना इधर हमारा कितना, हमारा कहाँ तक चलेगा, 19 तक, 19.8 तक दे दिया, माइनस माइनस में, माइनस में 19.8 तक दे दिया, 20 हाँ पॉइंट टू वो कट करेगा, ये भी ऐसा है तो डायरेक्ट ऐसा पॉइंट टू, वो पॉइंट टू वोल्टेज ये देखिए वो डायरेक्ट लेता, किसमें किसमें दिए, वो स्टैंडर्ड भी आ गया ना। हाँ स्टैंडर्ड में आता, स्टैंडर्ड में भी आ जाता है, लेकिन क्या होता है इसमें थोड़ा सेम कट रहे तो स्टॉक लगाए तो अच्छा है, इधर है ना स्टॉक लगाए तो अच्छा है, क्यों एक ही कट रहे ना, वो डिग थोड़ा कटर मार्क ऐसे आएगा, फिनिशिंग 16 में कर दिया ना, सेम कटर है बटन क्लीन करना, बटन क्लीन करके इसमें थोड़ा क्या करना, स्टॉक नहीं मारता तो अच्छा आता, ये नियम का स्टॉक लगा देना, स्टॉक लगा देना, स्टॉक लगाया था ये पूरा बटन पर, फिनिशिंग को थोड़ा सा स्टॉक लगा के क्या मारना, हां टच जाने देना नहीं, हां जाने नहीं देना, स्टॉक लगाना। ऊपर से टच नहीं होगा, स्टॉक लगाया तो स्टॉक क्या, पॉइंट टू क्या, अभी वो 8 एमओ स्टॉक लगाए थे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 16 कटर इधर कट दिया ऑलरेडी, ऑलरेडी कर दिया। हाँ वो ऑलरेडी डेप्थ में कर दिया, मैं थोड़ा थोड़ा वहाँ भी डेप्थ था ना, पॉइंट टू, पॉइंट टू लगाए थे ना अपन, पॉइंट टू लगाए तो इधर दे देना, क्या होता वो जस्ट 0.05 दिए तो भी टच नहीं होता, सेम कटर भाई हमारा 16 कटर है ना, वो डेप्थ भी चला जाएगा ना, डेप्थ भी चला जाता, हम रफिंग में स्टॉक लगाया, फिनिशिंग में डेप्थ कुछ नहीं लगा, वो भी चला जाता डेप्थ, सेम डेप्थ तक ये जाएगा, सेम डेप्थ जो करे ना वो वहां तक काट देता, सेम डेप्थ ये जाएगा, क्या बच जाता पॉइंट 2, करेक्ट 0.1 0.5 तक भी दिए तो भी करवा, ठीक है। ये 2D में काउंटर है, नेक्स्ट और 2D में ज़्यादा है, रैंप है, बहुत ऑप्शन है 2D, दो दिन तीन दिन लगता है 2D में, 2D में चांपर है, रैंप है, रीमेसरिंग 2D में भी है इसमें है, फिर इधर काउंटर है, वेयर है, ये रिवर्स वेयर जो हम यूज नहीं करता, लेकिन रिवर्स क्या, रिवर्स वेयर क्या है, इसको प्लस लगाए तो कट होता, माइनस लगाए तो छोड़ता,
ये भी ऑफ भी जरूरत कभी कभी यूज होता है लाइन पे मार्किंग के लिए, मार्किंग के लिए ना, हैंग रैंक को यूज होता है। ठीक है ओके।